नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आज से ठीक एक महीने बाद यानी 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का बागडोर अपने हाथों में थामा है। वहीं दूसरी तरफ प्रभु श्री राम की श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होने के लिए देश के सभी दिग्गजों को निमंत्रण भेजा गया है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस, सपा, बसपा समेत कई दिग्गजों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। निमंत्रण में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी का भी नाम शामिल है। अब श्रीराम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विपक्षी समेत देश भर के दिग्गजों को निमंत्रण भेज दिया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर श्रीराम के निमंत्रण पर क्या कांग्रेस के दिग्गज, कांग्रेस के नेता अयोध्या पहुंचकर इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं या वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस कार्यक्रम से दूरी बनाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। राम मंदिर का बुलावा आया, अब क्या करेगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस कश्मकश में फंस गई? अयोध्या पर कांग्रेस में धर्म संकट, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। 22 जनवरी करीब 500 वर्ष का तपस्या का वक्त खत्म हो रहा है। दिन शुभ मुहूर्त, तारीख सब कुछ तय है। 2014 के बाद से अयोध्या के इतिहास में अयोध्या फिर से जीवित हो उठी है। अब अयोध्या फिर से हिंदुत्व के केंद्र में है। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए न्योता भेजे जाने का सिलसिला भी जारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी के साथ साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता भेजा गया है। मगर सवाल ये कि क्या मोदी के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह रचने में जुटी कांग्रेस को ये न्योता कबूल है? वैसे इस न्योते ने धर्म संकट में कांग्रेस को डाल दिया है, क्योंकि कल तक जिस अयोध्या से कांग्रेस ने दूरी बनाई, उसी अयोध्या में प्रभु राम की प्रतिष्ठा में कांग्रेस नेता और गांधी परिवार को शामिल होने का न्योता आया है। मगर हकीकत यह है कि कांग्रेस का धर्म संकट बड़ा है, क्योंकि सोनिया गांधी का अयोध्या में जाने का सियासी संदेश बहुत बड़ा होगा, खास तौर पर उस वोट बैंक की मजबूरी के मद्देनजर जिसे साधने के लिए अयोध्या और राम मंदिर से कांग्रेस और गांधी परिवार ने दूरी बनाई। ऐसे में सवाल ये कि सोनिया गांधी अब क्या करेंगी? इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है? और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में, निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। आपको निमंत्रण मिला, आपने तो खुद चंदा भी दिया था। देखिए, मुझे क्यों नहीं देंगे, मुझे नहीं देंगे वो, क्योंकि जो सच्चे भक्त हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनको निमंत्रण नहीं जाएगा। हिस्सा तो लेना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता ये लोग लेंगे, क्योंकि लोगों ने तो प्रभु राम को तो नकारा ही, कभी स्वीकारा ही नहीं। ये तो 65 साल इनका राज था, मंदिर बन गया होता, आएंगे तो नहीं, लेकिन हमारे मोदी जी का दिल बड़ा है, वो तो बुलाएंगे सब। राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या, उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर, ट्रेन छोड़कर, किसी ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पथराव पर ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे भड़क जाएंगे। इस प्रकार की शंका लोगों के मन में है, जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके मन में है, और यह हमारा काम है कि लोगों के सामने रखना। अगर नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी, इस प्रकार का कोई वारदात होने जा रही है तो उसे रोकना चाहिए। विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं को लोकार्पण कार्यक्रम में निमंत्रण दिए जाने का, यह मूल रूप से श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का विषय है। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर में तमाम विशिष्ट, अति विशिष्ट लोगों को आमंत्रित कर रही है। कांग्रेस
के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, या बाकी लोगों को जो निमंत्रण पत्र भेजा गया है, ऐसे अनेक दल के लोगों को और अनेक अति विशिष्ट लोगों को श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इन्वाइट कर रहा है। तमाम सारे विशिष्ट अति विशिष्ट लोगों को वहाँ इन्वाइट कर रहा है। कांग्रेस दुविधा में है, अयोध्या जाए तो दिक्कत, नहीं जाए तो आफत, क्योंकि हकीकत सियासी चश्मे से देखें, क्योंकि बीजेपी का राम मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा होने जा रहा है। बीजेपी के संकल्प पत्र में राम मंदिर 3 दशक पुराना मुद्दा है, और राम मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाने का आरोप कांग्रेस पर बीजेपी लगाती आई है। ऐसे में सवाल ये कि कांग्रेस इस धर्म संकट से अब कैसे पार पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस तरह से राम मंदिर का बुलावा आया है, वैसे में कांग्रेस के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बनती नजर आ रही है। अब देखना ही होगा कि कांग्रेस इस पर क्या फैसला लेती है। क्या कांग्रेस कश्मकश में फंस गई है? अयोध्या पर कांग्रेस में धर्म संकट। सोनिया खड़गे को अयोध्या से निमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को भी निमंत्रण गया है। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस को ये न्योता कबूल होता है, या कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से दूरी बनाने की रणनीति को कांग्रेस अपनाती है। धर्म संकट से कैसे पार पाएगी कांग्रेस, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु चक्रपाणी जी महाराज जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में महाराज जी। और उसके अलावा आशीष मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले महाराज जी आपसे ही मैं सवाल करूंगी। जिस तरह से निमंत्रण की बात आ रही थी, और सबसे पहले जब प्रधानमंत्री और तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया था, तो विपक्ष के द्वारा काफी सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस में भी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण भेजा गया है ट्रस्ट के द्वारा। क्या लगता है आपको कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पहुंचेंगे ये नेता? देखिए, हमें लगता है भगवान श्री राम इस देश की पहचान है, और जो हमारे देश का संविधान है, उस मूल संविधान में भगवान श्री राम का चित्र जो है लगाया गया। तो मतलब ये साफ है कि एक राम राज्य की परिकल्पना, एक भगवान राम एक सफल राजा थे, तो उसी के साथ एक जो है आज्ञाकारी पुत्र थे, और वो एक जो भाई थे। तो ये मेरे कहने का मतलब यह है कि निश्चित रूप से भगवान श्री राम, जिसको देश ने पूरे विश्व जो है मानता है, और देश की हमारी पहचान है, तो उसमें जो यहाँ पे राजनीतिक पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नेता है, उन्हें हमें लगता है अवश्य जाना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसमें जाना और उसका सम्मान करना, हमें लगता है कि यह पूरे देश का सम्मान होगा। और अगर जो राजनीति करने वाले लोग, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। आशीष जी, क्या लगता है आपको, महाराज जी का कहना है कि यदि निमंत्रण मिला है तो भगवान राम के सम्मान के लिए जाना चाहिए? मैं चक्रपाणी महाराज जी को प्रणाम करता हूँ जी, और साथ में एक चीज बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि राम जन्मभूमि इतने वर्षों से जो अधूरी थी, बड़े संकटों के बाद निर्माण हुआ है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हमारे नेताओं को बुलाया गया है, सोनिया जी का स्वास्थ्य ठीक रहा तो निश्चित तौर पर जाएंगी, क्योंकि ये सोनिया जी के लिए सौभाग्य का विषय होगा कि आदरणीय राजीव गांधी जी ने, जिन्होंने शिलान्यास करने का काम किया था, कपाट खोलने का काम किया था, और उनकी धर्मपत्नी जी को अगर ये सौभाग्य निमंत्रण के रूप में मिला है तो निश्चित तौर पर जाना चाहिए। प्रभु श्री राम पे पूरे देश का ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति का, यहाँ तक कि आप चाहे मानव की जाति का ले, आप प्राणियों को ले, सबके आस्था अगर किसी में बसती है तो प्रभु श्री राम में बसती है, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम लेते ही लोगों का उद्धार हो जाता है। इतना बड़ा काम यदि हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को सियासी चश्मे से न देखते हुए सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन साथ में इसके कोविड वापस से एक बार फैलने लग गया है, तो एक नियमानुसार ये काम को अगर किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम के दर्शन करना निश्चित तौर पर अनिवार्य है। अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जा रही है 22 तारीख को, उसके साथ में
प्रतिदिन मंदिर खुले रहेंगे, लोग दर्शन करते रहेंगे, लेकिन भीड़ जमाव इकट्ठा एक साथ में न टूट पड़े, किसी प्रकार की भगदड़ न मचे, कहीं कोई हादसा दुर्घटना या घटना ऐसा कुछ न हो। इसलिए ये हमारे लिए सौभाग्य है। और साथ में ही जैसे ही राम मंदिर में इतना राम मंदिर के ट्रस्ट ने इतनी बड़ी इतना बड़ा दिल दिखाते हुए अपना स्पष्टीकरण दिया है, लोगों को न्योता दिया है, तो मैं चाहता हूं कि और भी राजनीतिक जो दल के सदस्य हैं, जो मुखिया हैं, सभी के सभी लोगों को निमंत्रण दें। राम मंदिर की आस्था सबके मन में है और सब प्रभु राम को मानते हैं। तो इसका मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस को जो निमंत्रण दिया गया है वो पहुंचेंगे। अभी आप इस पर हालांकि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई। सुरेंद्र सिंह जी, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा प्रियंका जी। उसमें ऐसा है कि अभी देखिए सोनिया जी के स्वास्थ्य के कारणों की वजह से थोड़ी दिक्कत कभी कभी होती है, एक उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इतना निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का डेडिकेशन, कांग्रेस पार्टी के लोग वहां निश्चित तौर पर जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे मैं खुद भी जाने वाला हूँ। सुरेंद्र जी, आशीष जी का कहना है कि कांग्रेस को निमंत्रण मिला है, वो जरूर पहुंचेंगे यदि सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन दूसरी तरफ आशीष जी ने एक इशारा ये भी कहा है कि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो आज महाराज जुड़े हुए हैं, सबको जय जय श्री राम जी। और देखिए ये जो इच्छाधारी हिंदू है, आज जो है अगर निमंत्रण मिला है, अगर देर से ही सच अगर अकल आ जाए इन लोगों को, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनको कल नहीं आने वाले हैं, ये लोग इच्छाधार हिंदू हैं। जब ये चुनाव आएंगे तब मंदिर जाके माथा टेकेंगे, उसके बाद हमारे हिंदू को, हमारे देवी देवताओं को गाली देंगे। और इसके अलावा भी ये विपक्ष के पास कोई काम नहीं बचा है, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। आपने देखा होगा हमारे हिंदू भाइयों को गाली देना, हमारे देवी देवताओं को गाली देना, हमारे ग्रंथ के ऊपर सवाल उठाना। जी आशीष जी, अपनी बात कर रखिए। आज तक इन्होंने कोई सवाल उठाया क्या? अखिलेश यादव जी ने कभी क्या सहमत प्रसाद मौर्या जी को कहा कि आपने क्यों नहीं, क्यों आप इस तरह की बात करते हैं? तो ये लोग जो है इच्छाधारी हिंदू है, और यही कारण है कि देश की जनता ने इन लोगों को नकार दिया है। जिस देश में आप रहते हो उस देश का नाम भारत है, भारत के अंदर जो है देवी देवताओं को पूजा जाता है, और वहां पे जो है ये लोग जो है अपमानित करने का काम नहीं। लेकिन सुरेंद्र जी, आशीष जी का अभी कहना है कि निमंत्रण मिला है, वो पहुंचेंगे, हालांकि कोरोना का जरूर उन्होंने हवाला दिया है। प्रियंका जी, कहां पे कोरोना आ गया, कहां पे चुनाव के टाइम में जब भीड़ होगा इकट्ठा, तो वहां पे कोरोना नहीं होगा। जब उनकी इच्छाएं होगी जहां पर भीड़ करना होगा, जिस पर चुनाव सभा करना होगा, वहां कोरोना नहीं होगा। लेकिन आज उनके कोरोना आ गया, कहां पे कौन सा जगह पे कोरोना है ये बताएं। ये जो उल्टा सीधी बात कर रहे हैं, देश की जनता देखती है कि ये किस प्रकार से हमारे भगवान राम को अपमानित करने का काम कर रहे हैं कोरोना के नाम। आशीष जी जवाब दीजिएगा, यूपी में तो आपकी यूपी जोड़ो यात्रा भी चल रही है ना, उसमें भीड़ इकट्ठा नहीं होती क्या आशीष जी? बिल्कुल होती है संज्ञानित। मैंने प्रियंका जी पहले स्पष्ट रूप से मैंने ये बात कही कि निश्चित तौर पर यूपी जोड़ो यात्रा में भी इन विषयों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि कोई इस प्रकार का संकट बढ़ता है तो निश्चित तौर पर ये तकलीफ हमें ही होगी, वापस से देश एक बार संकट की घड़ी में जाएगा। तो इस संकट की घड़ी में देश को न झोंका जाए, उसके पहले ही कुछ न कुछ हमें उसका उपचार करना होगा। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा, हमने खुले मन से बात कही है। जो यात्राएं हैं उसी के लिए है सिर्फ, और जब भगवान का के नाम पे जो है आप इस तरह की बात कर रहे हो, क्यों उल्टा सीधा बात कर रहे हो यार जी? आपकी यात्रा में जो है कोरोना नहीं आएगा, और भगवान के प्राण प्रतिष्ठा जब होगा, जहाँ पर पूरे देश भर पूरे दुनिया के लोग आएंगे, वहाँ पे जो है ये कोरोना आ जाएंगे। देश और दुनिया से यही कारण है कि भगवान का भी आशीर्वाद आप लोगों को नहीं मिल रहा है। आप उल्टा सीधा जो है बात ना करो, जिससे कि आपके जो है पार्टी को तो नुकसान हो रहा है, साथ के साथ आपको भी नुकसान ना हो। भगवान को अपमानित करने का काम मत करो, आप पूरा देश जो है देख रहा है। आप जो है 400 से सिमट गए हो 40 पे, और आने वाला टाइम में जो है 2024 में अगर आपकी ऐसी रही, ऐसी भावनाएं अगर रही,
तो इतना तो मान लो आप कि आपके ऊपर जो है ना ही कोई देवी देवताओं का आशीर्वाद होने वाला है, ना ही भगवान राम का आशीर्वाद होने वाला है। जी आप आरोप लगाते रहना कि ये टीम को पूरी करने वाले लोग खुद आप हो। जी सुरेंद्र जी सुन लीजिएगा, जी जी आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहीं कान में रुई तो नहीं डाल रखा है? मैं सीधा स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूँ कि बहुत सारे विषय हैं जिस पर हमें चर्चा करने के लिए है समय। हम सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, संसद तक की बात जो है हम सड़कों पे आके उठा रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम में हम सबकी आस्था है। राम मंदिर ट्रस्ट ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को न्योता दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमने कहा कि हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक रहा तो निश्चित तौर पर वो वहां जाएंगी, क्योंकि ये उनके लिए भी सौभाग्य की बात होगी कि उनके पति ने जिसका शिलान्यास किया था, जिसका कपाट खोला था, आज प्रभु श्री राम के मंदिर वहां पे वास्तव में निर्माण हो रहे हैं। और प्रभु श्री राम के मंदिर को नहीं, लेकिन आपने जिस तरह से कोरोना की तरफ इशारा किया उससे क्या मतलब था आपका? यदि ऐसी स्थिति होगी तो स्वास्थ्य विभाग उसका अल्टीमेटम जारी करेगा, अलर्ट जारी करेगा। प्रियंका जी मैं उससे भी आ रहा हूँ। प्रियंका जी ऐसा है, हमने क्या कहा आपको कि बाकी के विषयों को छोड़ के हम इसका स्वागत करते हैं। राम मंदिर सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, राम मंदिर के निर्माण के लिए देश विदेश से चक्रपाणि महाराज जैसे महाराज लोगों ने न जाने कितने वर्षों भर संघर्ष किया है। आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और संपूर्ण देश विदेश की जनता द्वारा दिए हुए चंदे के पैसे से प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ है। इस वजह से हम कहते हैं कि इस पे राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, राजनीति का विषय ही नहीं होना चाहिए इसमें। इसमें न कांग्रेस न भाजपा, यहाँ पे सीधे स्पष्ट रूप में ये कहा जाना चाहिए कि देश के नागरिकों राम में आस्था है, आप भी आइए। हाँ, नहीं आशीष जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तो बॉल आपके ही कोर्ट में है। यदि आप राम मंदिर में आपके तमाम नेता आ जाते हैं तो ये मामला यहाँ पर खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखना होगा चुनाव के समय में क्या रूप लेता है, लेकिन फिलहाल के लिए खत्म हो जाएगा। मैं चक्रपाणि जी महाराज के पास पहले जाऊंगी, फिर आपके पास आती हूँ। चक्रपाणि जी महाराज, जिस तरह से यहाँ पर आशीष जी का कहना है कि सोनिया जी का स्वास्थ्य यदि ठीक होता है तो वो बिल्कुल आएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को लेकर हालांकि अभी कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना की तरफ जिस तरह से उन्होंने इशारा किया है, यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो स्वास्थ्य विभाग, यूपी सरकार, ये तमाम लोगों की ये चिंता है या कांग्रेस को भी चिंता करने की जरूरत है? देखिए निश्चित रूप से कोरोना तो जब आता है उस समय तो अलग विषय है, अभी सकारात्मक दृष्टिकोण से बात होनी चाहिए और भगवान राम की जहाँ पे कृपा होती है वो सब कुछ ठीक हो जाता है, सब स्थिति सामान्य हो जाती है। और हमें लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं अगर उनको निमंत्रण जा रही है तो हमें लगता है भगवान राम सबके लिए है और हमें लगता है जरूर जाएंगे और जाना भी चाहिए, और जाने से लोगों की न सिर्फ उनको भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा, साथ में ही एक अच्छा संदेश जाएगा। अब तक जो भी हुआ माननीय देखिए कोर्ट में, क्योंकि मैं खुद एक राम मंदिर केस में पक्षकार था, अपील करता था मैं, और सच पूछे तो हिंदू महासभा का ही वो केस था। और अभी निमंत्रण अभी दिए जा रहे हैं, अभी तो मूल जो पक्षकार है, जो मैं पक्षकार था, स्वामी धर्मदास जी पक्षकार थे, रमाले ट्रस्ट था, उनको तक निमंत्रण नहीं आया। अभी तो हमें लगता है शीर्ष राजनीति की निमंत्रण बांटे जा रहे हैं, तो भाई जो मूल पक्षकार है उनको भी निमंत्रण दे दो। तो ये अभी आए लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार जाएंगे, जैसे जाना होगा, लेकिन हमें लगता है वो मामला अपनी धार्मिक है वो, और हर व्यक्ति को भगवान राम का सम्मान करता है और करना भी चाहिए और जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है आशीष जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बाकी दलों को भी निमंत्रण दिया जाना चाहिए, और चक्रपाणि जी महाराज का जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी पक्षकार को भी निमंत्रण नहीं गया है, हिंदू पक्षकार को तो निमंत्रण दे दिया जाएगा, ये तमाम चीजों पर उसका फैसला तो ट्रस्ट को लेना है ना, तो इसमें आपको भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमने इसमें राजनीति की ही नहीं, हम कह रहे हैं कि चक्रपाणि महाराज जी ने जो कहा, राम मंदिर है, मंदिर ट्रस्ट के जो व्यवस्थापक है उनके स्तर पे भी इस समय बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार के साथ साथ में उन्होंने, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है, उनके स्तर पे इस समय बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पे धीरे धीरे करके सभी को निमंत्रण जाएगा, हम इसके अंदर कोई हो हल्ला नहीं मचा रहे। और आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, कोरोना का जो मैंने नाम लिया है कोविड का, वो सिर्फ इसलिए लिया है कि जब पहली बार केस डिटेक्ट हुआ
केरला के अंदर तभी भी हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद भवन में खड़े होकर सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार ने उस समय अमल में नहीं लिया, जिसके कारण देश को दो वर्षों के लिए लॉकडाउन का संकट झेलना पड़ा। एक बात, दूसरी बात, इस बात को गहराई से सोचने की जरूरत है, किसी भी राजनीतिक दल के बड़े नेता को जब कहीं बुलाया जाता है तो उनके समर्थक लाखों की संख्या में वहां पे उमड़ते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि व्यवस्था भी बनाए रखनी है, कोरोना के संकट से भी बचना है, बचाना है लोगों को, तो और व्यवस्था में किसी भी प्रकार का विघ्न ना हो, इस वजह से मंदिर का निर्माण हो जा रहा है। ये उल्टा सीधा बात आप कर रहे हो, कोई 22 तारीख को जाएगा, कोई 23 तारीख को जाएगा, कोई 24 तारीख को जाएगा। जी सुरेंद्र जी, बताइएगा किस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है। 150 एकड़ की जमीन को, 150 एकड़ की जमीन में किन्हीं चीजों को प्रियंका जी कितने लोगों को एकत्रित कर सकते हैं? जो है जनादेश जो है उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है, और ये बात कर रहे हैं कि जब वहाँ आएंगे तो उभरेंगे लोग। अरे आप उसको छोड़ दो, आप वो पुलिस प्रशासन के ऊपर छोड़ दो, वो व्यवस्था वो करेंगे, किसको कहाँ एंट्री कराएगा, किसकी नहीं कराएगा। यही पुलिस प्रशासन थी, यही पुलिस प्रशासन थी जो लाठियों के डंडे से कोरोना के काल में, इतनी बात करो, कोरोना के काल में मजदूरों को पीटा करती थी। कोरोना 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 कर रहे हो। बॉर्डर क्रॉस करने पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने सबका सर्वे कराया था, टैली करवाया था, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में जाने का है नहीं आपकी पार्टी का, और आप उत्तर के लिए जाना पड़ेगा, क्या हाल हुआ उसका? मैं आपसे सुरेंद्र जी, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि राम मंदिर के निर्माण के दरमियान होने वाली व्यवस्था और होने वाले कार्यक्रम को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति ना करें। आप कहो जो आपके मन में आए, हम कहें राजनीति तो आप कर रहे हो मेरे भाई, आपने ही तो सवाल उठाया ना कोरोना काल, आपके जो गेस्ट जाए थे, आपके जो नेता जाए थे, उनकी व्यवस्था। ठीक है चक्रपाणी जी महाराज जी, आपके पास में आती हूँ, ठीक है आशीष जी आती हूँ मैं आपके, चक्रपाणी जी महाराज जिस तरह से काशी में अभी देव दीपावली का कार्यक्रम हुआ था, भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और व्यवस्था पूर्वक पूरा कार्यक्रम हुआ था, उसका सफलतापूर्वक आयोजन भी किया गया था, ऐसे में आशीष जी जो तमाम तरह के संदेह उनके मन में है कि इतनी भारी संख्या में लोग उपस्थित होंगे तो किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, कोरोना यदि होता है तो किस तरह, तो क्या उसको लेकर तमाम चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है, तैयारी की जा रही है, क्योंकि आप वहां से जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है आपको इस बारे में पूरी जानकारी होगी कि किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। देखिए कहीं कोई भी, ये तो बहुत ही भारत का बहुत बड़ा कार्यक्रम ये है और प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन, तो निश्चित रूप से देश के जहां प्रधानमंत्री आ रहे हैं, देश के तमाम शिष्ट लोग आते हैं, कई पूरे अयोध्या जी के जो राम मंदिर बन रहा है उससे खुशी में पूरे जो भारत और विश्व में खुशी मनाई जा रही है, तो वहां तो ऐसे ही जिनको बुलाया जा रहा है तो उसकी विशेष व्यवस्था होगी, उससे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। करीबन लाखों तो टेंट लग रहे हैं, लाखों कॉटेज बन रहे हैं जहाँ की कोई आएगा तो ठहरने की व्यवस्था, और सब मंदिर आश्रम हमारे जिसे खुद हमारे वहाँ पे रसिक पीठाधीश्वर जी है वो वहाँ पे संत सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को भी जाना है, तो वहाँ पे व्यवस्था हर आश्रम हर संत अपने अपने तरीके से जो भी आगंतुक है उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं करेंगे, क्योंकि ये तो भगवान राम काज है, इसलिए व्यवस्थाएं होती हैं, और कोई भी धार्मिक जो आयोजन होता है उसमें सब भगवान की कृपा होती है और बहुत अच्छे ढंग से हो जाते हैं। सनातन आशीष जी, मुझे लगता है आपको जवाब मिला होगा, इससे पहले भी कुंभ का आयोजन हो चुका है, देव दीपावली का आयोजन हो गया, इस तरह के आयोजन में तमाम संत समाज और तमाम जो धार्मिक संगठन भी होते हैं वो भी पूरा सहयोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि व्यवस्था को लेकर, क्योंकि अब इस तरह के कई आयोजन हो चुके हैं, तो इस तरह के आयोजन को किस तरह से उत्तर प्रदेश में करना है और किस तरह की उसकी रूपरेखा है, लंबे समय से तैयारी हो रही है, यदि आपके इसके बाद भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सुरेंद्र सिंह जी भी यहाँ पर हैं और महाराज जी भी यहाँ पर हैं। जी मुझे एक बात बताइए, यही पुलिस बल है, यही हमारे सेना के जवान है, यही हमारे CRPF है, ये सभी लोगों को जरूरी है कि संकट में डाला जाए, क्यों इनके ऊपर बर्डन डालना, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि 22 तारीख को श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद। आशीष जी, कुंभ हुआ था तो क्या किसी के प्राण संकट में डाले गए थे क्या? महाराज जी जवाब दीजिएगा, कुंभ में क्या किसी के प्राण संकट में डाले गए थे क्या? क्या कोई अनहोनी, क्या कोई घटना इस तरीके हुई है जिस पर अब पछताने की जरूरत पड़ी हम सबको? समस्या ये है कि आप जो भी जो हमारे सनातन धर्म के कार्य होते हैं वो तो लोगों के प्राण बचाने के लिए, लोगों के सुखमय जीवन के लिए, तो सर्वे भवन के सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्,
यानी पूरे विश्व की खुशहाली के लिए कामना की जाती है, तो हमें लगता है कि इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए भाई। वहां पे कैसे अब वो हो जाएगा हमारी सनातन। आपका क्या मानना है आशीष जी कि इतना बड़ा जो कार्यक्रम किया जा रहा है कि ऐसे छोटे लेवल पे किया जाए, आप अपनी मंशा बताए। हाँ बता रहा हूँ, देखिए छोटे लेवल पे करने की मैंने बात नहीं कही, मैंने ये बात कही कि अभी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं अजय राय जी, ठीक है। अब मान लीजिए कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के जाने पे भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री, सभी विधायक, सभी सांसद वहाँ पे होंगे मौजूद। मानते हैं इस बात को आप जी? और एक जन के पीछे वहाँ पे 10-10 एक विधायक के साथ में कम से कम 10-10 20-20 गाड़ियां जाती है, क्योंकि हर विधायक जो है चाहेगा कि अपने क्षेत्र के लोगों को भी लेके जाऊं वहां पे दर्शन कराने के लिए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अयोध्या में इतना कंजेशन मत पैदा कर दीजिए, इतनी भगदड़ मत करवा दीजिए, क्योंकि कुंभ का जब मेला लगा था तभी भी वहां पे भगदड़ मची थी। और भगदड़ सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा, 10 सेकंड आप लीजिएगा सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा, क्यों करना ये काम? देखिए प्रियंका जी, जब विनाशकाली विपरीत बुद्धि जब आ जाए तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो अभी जो है ना इन लोगों के जो है ना विनाश का जो है रास्ते पे चल रहे हैं, विपरीत बुद्धि में जा रहे हैं। आप राम के नाम का बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद लगातार जो है चंदा ठीक है। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, सुरेंद्र सिंह जी, आशीष जी, चक्रपाणी जी महाराज जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया गया है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही साथ श्रीमती सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता दिया गया। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि सभी बड़े पार्टियों के दिग्गजों को निमंत्रण दिया है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से 22 जनवरी को ये उपस्थित होते हैं या उपस्थित होते हैं या नहीं। खैर, दोनों ही सूरतों में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इस समय स्थिति आगे कुआ पीछे खाई वाली है। देखना होगा कि कांग्रेस इस धर्म संकट से कैसे बाहर निकल पाती। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।